प्रयागराज से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली विवाद के चलते युवकों को दबंगों ने मौत के घाट उतार दिया। घटना प्रयागराज के चुंगी की है, जहां घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सबरीमाला मंदिर में क्या महिलाओं का प्रवेश होगा वैध, इसी पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस। आपको बता दें कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद अभी तक जारी है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यहां सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ और अभी तक कोई भी महिला, वो चाहे 10 से 50 की उम्र की हो, प्रवेश नहीं कर सकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा के दौरान बड़ा बयान दिया है। शिवराज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अब न सिर्फ सरकारी स्थान बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी संघ की शाखा लगाई जाएगी। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे अनंत कुमार का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु पहुंचकर अनंत कुमार को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे। इस दौरान पीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और रामनगर में हल्दिया तक के लिए वाटर हाईवे का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये 15वां काशी दौरा था। राम मंदिर के मुद्दे पर जल्द सुनवाई के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि जनवरी 2019 से राम मंदिर पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले संतों ने जल्द सुनवाई के लिए सोमवार को कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी से कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति का संपर्क प्रदेश से कट गया है। चंबा जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों को 2 दिन तक घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। प्रदेश में बीते कल कई क्षेत्रों में कभी बादल तो कभी धूप का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। प्रदेश की खस्ताहाल व्यवस्था पर 18 नवंबर को लखनऊ हाईकोर्ट के साथ सूबे के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस दौरान बैठक में प्रदेश के डीएम और कमिश्नर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बैठक में अनाथ बच्चों के पोषण आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी और अधिकारियों को जजों के समक्ष प्रेजेंटेशन देना होगा।